और सरायपाली नगर में गौरव पथ और नाली निर्माण को लेकर एजेंसी पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरव पथ निर्माण में हो रही लेट लतीफी और निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण के लिए गड्ढे खोदकर उन मिट्टियों को सड़क के किनारे फेंक दिया गया है, जिससे कि छोटे दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं नगर के पेट्रोल पंप और स्कूल के सामने भी बड़े बड़े गड्ढे खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे कि स्कूली बच्चे भी उन गड्ढों में गिर रहे हैं। सड़क के किनारे सुरक्षा के लिए कोई भी स्टॉपर, रेडियम पट्टी या फिर कार्य प्रगति पर है, इसके बोर्ड तक चस्पा नहीं किए गए हैं। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। से अपना 9 मीटर की दूरी में नाली बनता है, 9.5 मीटर की दूरी। इसमें जो बेस का कंक्रीट काम हो रहा है, इसमें किस रेशियो से काम हो रहा है और क्या क्या मटेरियल हो रहा है इसमें? ये M10 ग्रेड का सीमेंट लग रहा है, M10 कंक्रीट का जो ग्रेड है उसका सीमेंट लगता है। ये 8 से 10 दिन हो गया खुदे हुए, ठेकेदार के द्वारा बोला गया था, उनसे बात हुआ था कि 1 दिन के बाद ये जो काम है रास्ता दे देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, जैसा का वैसा पड़ा हुआ है काम। जी, इस मलबे के कारण हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बालकों की भी शिकायत रही है कि मलबे की वजह से उनको रोड पर गाड़ी जो है वो खड़ी करना पड़ रहा है, हमको भी बसेस जो है वो रोड पर खड़ी करना पड़ रहा है। मलबा यदि समय पर हटता तो थोड़ा सा जगह मिलता कि हम बच्चों को जो है सुनिश्चित रूप से उतार सकें, चढ़ा सकें। ये बात जैसे मेरे संज्ञान में रह गई है, मैं देखता हूँ तत्काल अपन ऐसा काम करेंगे कि आम नागरिक को, जनता को, व्यवसाय को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और तत्काल उसको मैं उसको आज ही उसको जानकारी जैसे आपने लाया जानकारी में तत्काल दिखवाता हूँ। मेरे को रही बात रेडियो में कर की, तो उस समय तो लगाया गया था, मैं आज उसको देख लेता हूँ और तत्काल उसको अपन लगवाएंगे। इसमें कुछ जगह पर हमने ठेकेदार को निर्देश दे दिए हैं जहाँ पे गलत हुआ है, जहाँ पे नाली का ढाल मेंटेन नहीं किया गया, उसको नए सिरे से बनाने के लिए आदेश कर दिया।